लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा कोऑर्डिनेटर सुधीर पराशर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बदायूं लोकसभा के कोऑर्डिनेटर सुधीर पराशर अपराह्न 1 बजे बिसौली पहुंचे, जहां बदायूं लोकसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से पहले तो स्वागत किया। इसके बाद 23 लोकसभा के बदायूं के पदाधिकारी के एक बैठक जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद ग्राउंड में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। मुख्य अतिथि बदायूं लोकसभा के कोऑर्डिनेटर सुधीर पराशर ने उपस्थित कार्यकर्ताओं, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला संगठन सचिव, न्याय पंचायत अध्यक्ष से संवाद करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि बदायूं लोकसभा की समस्त ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉकों पर न्याय पंचायत तक का गठन है एवं सभी ब्लॉक कमेटियां गठित है। अब सभी न्याय पंचायत अध्यक्षों को जल्द से जल्द अपने बूथ लेवल पदाधिकारी का चयन करना है, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का संयुक्त प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएंगे। उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन का स्वागत करते हुए कहा कि ये गठबंधन निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम रहेगा और इसमें हर पदाधिकारी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि मजबूती के साथ कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़वाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने आश्वासन दिया कि बूथ लेवल अधिकारी जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। निष्क्रिय बूथ लेवल अधिकारियों को चेंज करके सभी ब्लॉकों में जिला संगठन सचिव एवं ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष 15 दिन के अंदर बूथ लेवल अधिकारियों की लिस्ट जिला कांग्रेस कमेटी को सौंप देंगे। वही लिस्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी प्रेषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है और निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में अपना पैसा खर्च करके संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए ताकत है। इस कार्यक्रम में जिला संगठन मंत्री सुधीर उपाध्याय, जिला संगठन मंत्री बाबू चौधरी, जिला संगठन मंत्री लोकपाल सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव फरहान हुसैन, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राजवीर सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिसौली के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान, ब्लॉक वजीरगंज के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, ब्लॉक आसफपुर के अध्यक्ष नरेश पाल सिंह, ब्लॉक इस्लाम नगर के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद थे।